सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना एक अबुझ पहेली बन गई है। अब तक इसके ऊपर स्पष्टता का अभाव दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस बीच पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बनाया जा रहा है। कांग्रेस शासित प्रदेशों ने इसकी शुरुआत की है, जिसके कारण केंद्र सरकार के ऊपर भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। दरअसल कांग्रेस शासित राजस्थान की सरकार ने पहले अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार के लिए अगले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी चुनौती है। राजस्थान कांग्रेस में चल रही गुटबाजी और सचिन पायलट के बागी तेवर से अशोक गहलोत की चुनौती बढ़ गई है। इसके कारण राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सरकारी कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश की और उन्होंने इसके लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। राजस्थान के बाद अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी अगले साल नवंबर में चुनाव कराए जाने हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दांव खेला है। अब इन दोनों राज्यों में अगर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को समर्थन मिलता है तो केंद्र सरकार के ऊपर अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बनेगा, क्योंकि साल 2004 में लागू एनडीए की सरकार के समय ही नई पेंशन योजना लागू की गई थी और इससे लाखों कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। यहां तक कि पैरामिलिट्री में भी नई पेंशन योजना ही लागू है। सेना को छोड़कर सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना लागू किया गया है, लेकिन इस पेंशन योजना के कारण लोगों को अपने रिटायरमेंट के बाद की स्थिति का पता नहीं चल पा रहा, जिसके कारण पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग बढ़ रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया तो अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इससे केवल लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि उनके पास अपने परिवार और आसपास के लोगों को प्रभावित करने की क्षमता भी है। ऐसे में अगर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया तो मोदी सरकार को भी इसके बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और संभव है कि अगले लोकसभा चुनाव में पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना का तोहफा मिल सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें हिंद टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।